वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं नाजरीन? ठाक आज मैं आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वो रेसिपी लेके आई हूँ, चने भटूरे की। ये पंजाब की डिश है, खाया जाता है, कराची में भी खाया जाता है, लेकिन बहुत मज़े की है। और मैंने ये रेसिपी जो है भटूरों की बड़ी ख़ास कहीं से रिसर्च के बाद ली है। तो ये मुझे ना, वैसे तो देखिए भटूरों में बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन मैं आपको बड़ा इजी और जैसे आराम से आप लोग बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। चले मैं पहले आप लोगों को भटूरों की बता दूं कि क्या क्या चाहिए। हमें 3 आलू चाहिए मीडियम साइज़ के, मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, और अब ठीक है। और आधा किलो बेस मैदा है, आधा किलो मैदा मैंने छाना हुआ है, आप लोग भी करें। मैं आपको बताऊंगी अभी आधा किलो कितना किस तरह, ठीक है। और 1 टीस्पून नमक चाहिए, ये हमें भटूरों के लिए चाहिए, ठीक है। अभी चले चनों के लिए। चने हम लोगों ने ऑलरेडी बॉयल कर लिए, जैसे आलू हमने बॉयल किए इस तरह हमने चने भी बॉयल करके रखे हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि वो आप लोग दिखा सके। तो आप लोग चने बॉयल करके रख लें। अब मैंने आधा किलो चनों का बना रही हूँ, तो आपने 2 टमाटर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसी हुई, मैंने खुद पीसी है अभी, प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, हरी मिर्ची और हरी मिर्ची और धनिया, ठीक है। यहाँ पे हमें गरम मसालों में जो चाहिए, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून ये है जीरा, और थोड़ा सारा साबुत गरम मसाला, ये जिसमें दालचीनी है, मोटी इलायची है 2 दाने, थोड़ी 2-3 लौंग हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च। चले हम चलते हैं अभी अपने पहले चनों को करके रखें, और फिर उसके बाद हम भटूरों की तरफ आएंगे, क्योंकि इस पे तो थोड़ा सा इतनी देर पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए चले आ जाएं। चले हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, पानी इनके साथ है, क्योंकि इनका टेस्ट तो इन पानी से ही आता है। अभी हमें चाहिए 1 कप ऑयल, 1 कप ऑयल, क्योंकि मुझे तो पता है 1 कप कितना होता है। चलिए जी, ठीक है, 1 कप ऑयल, जितनी देर ये बनेंगे हम इतनी देर अपने भटूरे तैयार कर लेंगे। प्याज को ब्राउन होना है और ये ब्राउन होते रहेंगे इतनी देर, ठीक है। ये प्याज को हम डाल के ब्राउन होने के लिए रख देंगे। जितनी देर हमारा प्याज ब्राउन होता है हम अपने भटूरों के, अभी हम लोगों ने भटूरों के लिए जो बनाना है आलू, उसको आपने कद्दूकश करना है। ये बॉयल आलू हैं और इनको कद्दूकश करना है, वो इसलिए करना है कि इनमें हाथों से नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। और भटूरे तो आपको पता मिक्स होते हैं सारे, मेरे हाथ साफ हैं, मैं धो के सारे काम कर रही हूँ, आप लोग भी धो के करें, ठीक है। अभी हम लोगों ने 1 टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आपने नमक रखना है, ठीक है, नमक डालना है। अभी हम लोगों ने, मैंने आधा किलो बेसन मैदा लिया है, आप लोगों ने भी आधा किलो लेना है, मेरा तो मैंने मुझे अंदाजा है कि कप जो है हमारा किस हिसाब से है, ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह लेना है। अभी हमने इसको गूंदना है इसी आलू के उसके साथ, ये देखिए थोड़ा सा अगर आपको जरूरत पड़ती है ना पानी की तो डाल सकते हैं, तो मसला तो नहीं है, क्योंकि गूंदना है ना, आटा ही गूंद रहे हैं इसको। तो हम लोगों ने 1 कप जितना पानी रखे, तो गर्म पानी, ठीक है, तो आप लोग गूंद लें आटा, नरम सा आटा गूंद लें। इसका कोई लम्स रहना नहीं चाहिए। जी नाजी, ये देखें ये आटा गूंथा जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता तो नहीं है, बड़े आराम से गूंथा जाता है, ये गूंथा जाता है। थोड़ा सारा मैंने 2-3 ड्रॉप्स और पानी रखे हैं, ताकि ये साइड पे जो हमारा आटा बह गया वो भी लगे, ये थोड़ा सारा। चले जी, ये हमारे भटूरों का आटा तैयार हो गया है, अब थोड़ी देर रखेंगे ताकि
ये थोड़ा सा नरम हो जाए, ठीक है ना। अभी भटूरों को हम लोगों ने इस ग्रेटर में रख के इसको हमने क्लीन क्लीन कर देना है। ये थोड़ा सारा इसका इलास्टिक होता है ना, तो इसको कवर करने में आसानी हो। क्लीन क्लीन तो बड़ा ही मसला ही होते हैं, इसको थोड़ा क्लीन क्लीन कवर करके आते हैं। अभी हमारे चनों का प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, ये आप देखिए। से हाथ साफ कर रही हूँ अपने, मैंने धोए हैं क्योंकि मुझे धोने की भी आदत है और इनकी अब्जॉर्बेंस भी बहुत अच्छी है। और ये रोज पेटल टिश्यू की, ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमने भटूरों का ऑयल भी रखा हुआ है ताकि गर्म रहे, गर्म हो रहा है। पहले हम चनों को फारक कर लेते हैं ना, ताकि फिर ज़रा आसानी हो जाती है। अब तकरीबन देखे, क्योंकि चने तुम्हारे गले हुए हैं, चनों का तो इतना टाइम नहीं, सिर्फ असल में चीज़ होती है मसाला पिसा बुना हुआ। अब हम लोगों ने इसके अंदर गरम मसाले ऐड करने हैं। पहले गरम मसाला इस ये साबुत गरम मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे और हल्दी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में डालती हूँ। पहले अब देखें ये ब्राउन प्याज होना शुरू हो गया, कितने खूबसूरत कलर से, कितना खूबसूरत कलर आया इसका, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी हम लोग हल्दी लहसुन और अदरक डालेंगे, टमाटर डालेंगे। चलिए अभी इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चनों का मसाला अच्छी तरह भून ले, वो फिर मसाला अच्छी तरह भून जाता है ना, टमाटर सारे मिक्स हो गए सारे। इसमें थोड़ी सी ना मिर्ची है, सब्ज़ मिर्ची, वो भी मैं ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ी सी बाद में ऊपर डाल दूँगी ना। मसाला भून रहा है, यहाँ पे हमने भटूरों का ऑयल गरम रखा हुआ है। जैसे गरम होते हैं इतने दिन हमारा वो भटूरे भी तकरीबन तैयार हैं, चने भी हमारे तकरीबन तैयार होने वाले हैं। ये तो सिर्फ हम लोगों ने, ठीक है, ये देखते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह से। सिर्फ टमाटर वगैरह, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, फिर वो टमाटर रह जाते हैं, प्याज मोटा मोटा रह जाता है अगर मसाला ना बुनाओ। मेरी अम्मी ना जो ना बहुत, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे शौक होता था कुकिंग का, क्योंकि शौक तो मुझे बचपन से था, बचपन से नहीं, मेरा मतलब है कि शादी के बाद ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे पहले अम्मी के घर में कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती थी। जब ये भी शादियाँ हो तो फिर पता है बच्चियाँ क्या काम करती है, वो बेकिंग कर लिया तो ये कर ली, तो मुझे शौक था। तो मेरी अक्सर कभी कोई ऐसी चीज़ बनती थी तो अम्मी ने भी ना कहती थी सालन को अच्छी तरह भुना करो, अच्छी तरह भुना करो, जब तक सालन ही भुनेगा या गोश है या चिकन है तो उसका टेस्ट नहीं आता। और हम लोग को इतना गुस्सा आता था ला, ये क्या है हर वक्त आंटी सालन को भुनना है, ये भुनने से क्या होता है। आज जब हम खुद इस स्टेज पे आए हैं कि जब खुद बनाने लगे हैं, तो आज तो नहीं है काफ़ी अर्से से ही, तो वो बस अभी सोचते वाकई ये सालन क्यों कहती थी अम्मी हमें। अभी तो माशाल्लाह से अम्मी भी बनाती हैं, वो थोड़ी सी एज भी होगी क्योंकि उनकी बुएँ हैं, तो हम लोग भी अभी स्टेज पे हैं, तो मुझे तो शौक था शुरू से ही, तो मैंने कहा कि चले भूनने। अब वो भूनने वाला चक्कर मैं अपनी बेटी को भी कहती होती हूँ कि ज़रा सा वो चीज़ बनाती है शौक़ से, उसको भी शौक़ है, उसको ये वाले सालन वालन तो नहीं बनाने आते, शौक से बनाती, वो बेकिंग और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है उसका इंटरेस्ट। तो इंशाल्लाह जब उसकी भी कोई अच्छी रेसिपी हुई तो वो भी अपलोड करेंगी हम लोग।
तो स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे बनाती है। शौक आ जाता है, हो जाता है। चले जी, अभी हम लोग ये चने डालते हैं और इसको भूनते भी हैं। इतने तो पकता रहेगा ना ये सारा कुछ। थोड़ा सारा इसको मैंने भूनना है अभी, ये पकता रहेगा। इतनी देर हम लोग भटूरों की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए कितना मजे का कलर आया है। ये तो अभी टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे, इतनी देर हमारा जी। अभी हम आए, ये रोज़ पेटल टिश्यू मैं इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छे हैं, इसके बगैर तो हमारे घर का गुजारा ही नहीं है। और इसमें सफाई भी कर लेती हूँ, सफाई तो मैं नहीं करती क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं आजकल, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो सिर्फ हाथ ही साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे वो करना है भटूरों का, आटे को करना, तो इससे मैं चाह रही थी कि ज़रा साफ जगह हो जाए ना, क्योंकि नैपकिन वगैरह से साफ कोई गंद ना लगे तो ये जगह भी साफ है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों करती हैं, उस पर क्यों नहीं चलती, वो जो बेला चकना सा होता है, जो भी जो रोटी बेलने वाला, तो मैं वो नहीं इस्तेमाल करती, मैं ये करती हूँ क्योंकि मेरी जगह बहुत साफ है। अभी हमने आटा गूंद लिया है, ये देखिए भटूरों का, और पहले आपको 2-3 बना के दिखा देते हैं। ये थोड़ा सारा हमने यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, इसको बेलेंगे। आप यकीन करें ना, इसके अंदर बेस मैदा है, सॉरी मैदा तो मेरे मुंह से रोटी सीधी बातें निकल रही, मैदा तो है, मेरा मतलब है इसके अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं है जो इसको फुलाएगा या मोटा करेगा। ये आप लेकिन इस तरह बना के देखें और आपको देखेंगे आप कितना खूबसूरत और कितने मज़े के लगते हैं ये। ये देखिए भटूरों का अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के। इनके चने भी ऑलरेडी तैयार ही हो गया तकरीबन, वो भी अपने काम चल रहा है। उसका इधर इधर हमारा भटूरे का भी हो रहा है। आलू का कोई लम्स रहना नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ, मोटा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कोई ये देखेगी, अभी हम यहाँ पे रखते जाएंगे और दूसरा भी डाल देंगे। आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी, बाज़ार से तो मिलते हैं हर चीज़ मिलती है, लेकिन आप ज़रा घर बना के देखिए, बाज़ार में कौन सी चीज़ नहीं मिलती हमारी, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप ये भटूरे, चने भटूरे, हाँ जी ये मीडियम जो है ना आग को रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल गर्म जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। जैसे हम लोग पूड़ी हलवा पूड़ियाँ फ्राई करते हैं तो इसी तरह इनके भी होते हैं। थोड़े से भटूरे बना लूँ, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा छोटा बनाना है छोटा बना लें, मोटा बड़ा बनाना है कढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि बेस्ट साइज़ होता है ये वाला, तो दरमियाने साइज़ का, ठीक है ना। ये थोड़ा सारा मोटा रखते हैं, ये देखें रोटी से थोड़ा मोटा होता है, ये रोटी से मोटा होता है भटूरा, है ना। भटूरा तो काइंड ऑफ नान ही कह सकते हैं कि फ्राइड नान जो होता है।
मैं तो हाथों से बनाती हूँ, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ना। ये देखें मेरा तो इस तरह बनता है, मैं तो ऐसे बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा बन जाता है, नरम होता है ना सारा, नरम लगता है कि जिनको नहीं हाथ की आदत तो हाथ से भी बेलने से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से बनाती हूँ। हम दूसरा भी डाल सकते हैं, हमारे पास जगह है। प्याज बड़े सही है, टमाटर शमाटर नज़र आते हैं ना, तो ये मुझे थोड़ा सा भुनने में नज़र आता है, मिक्स होते चले भी हो जाएंगे। हमें तो टाइम का समझ आती है कि कितने बजे तक होता है हमारा। देखिए हमने चनों को पानी तकरीबन खुश्क हो गया, वो जो पानी था चनों का उसके साथ हमने भुना है। ये देखिए इनका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। अब बस थोड़ा सा ये पानी डाल के इसको दम दे देंगे। हाफ कप भी नहीं है ये, मेरे ख्याल से 200 मिलीलीटर है शायद, ये हाफ कप है। बस ये देख लें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, ये देखिए आप ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो बस इसको हमने दम देना है। दम क्या, चने तो बन गए हैं सारे तकरीबन। पानी थोड़ा सारा पानी डालना है और ठीक है, भटूरों का जो चने होते वो लिक्विड वाले नहीं होते, बस थोड़े से हल्के हल्के से हमें हरी मिर्चें, धनिया, ये सब्ज मिर्च भी डाल दें, सब्ज ये धनिया मिर्च डालनी है ठीक है। थोड़ा सा प्याज भी डाल दें, प्याज में ज़्यादा नहीं डालती, ये देख लीजिए मैं हमारे भटूरे भी तैयार हैं और ये चने भी तैयार हैं। ओके, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। भटूरों का जब मैदा है या आटा है इसको थोड़ा जब बनाते हैं ना पूड़ियाँ तो इसको थोड़ा मोटा रखते हैं ठीक है ना, ये बिल्कुल नान की तरह ही होता है। आप लोग जब बनाएंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा। हम रोज़ बेटर टिश्यू इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करें मेरी रेसिपी को और मुझे बताएं, फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।